केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का राजकीय सम्मान के साथ दीघा घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। बेटे चिराग पासवान ने पिता को मुखाग्नि दी, लेकिन इस दौरान वे बेसुध हो गए और बेहोश होकर नीचे गिर पड़े। वहां मौजूद लोगों ने किसी तरह से चिराग को संभाला। इससे पहले दीघा घाट पर अंतिम विदाई देने के लिए हजारों की संख्या में समर्थन जुटे। इस मौके पर पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी दीघा घाट पर पहुंचकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी अंतिम विदाई दी। इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी मौजूद थे और सभी ने बारी बारी अपने श्रद्धा सुमन पार्थिव शरीर पर अर्पित किए। 70 के दशक में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के साथ अपनी राजनीतिक पारी शुरू करने वाले रामविलास पासवान 1969 में पहली बार एलोली सीट से विधायक बने थे और उन्होंने कभी भी लगातार अपने आप को अप्रासंगिक नहीं होने दिया। 1977 में पहली बार लोकसभा चुनाव जीतने वाले पासवान 9 बार एमपी रहे। साल 2000 में उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किया। रामविलास पासवान बिहार के ऐसे इकलौते नेता थे जिन्होंने देश के 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया। विश्वनाथ प्रताप सिंह, एचडी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी सरकारों में वो मंत्री रहे और कई ऐतिहासिक काम करे। अब उनके बेटे चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी को लीड कर रहे हैं, लेकिन उनके जाने के बाद उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।